नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ तृष्णा। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की पूरी। ये बिना मसाला वाली है। चलिए शुरू करें। यहाँ पे मैंने एक कप ग्रेटेड पम्पकिन लिया, उसमें आधा कप पानी ऐड की। इसको हम 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये पकना शुरू किया है। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालना है। अभी डालेंगे हल्दी। हल्दी 1/2 छोटे चम्मच लेना है। अभी डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 बड़ी चम्मच। इसको हम पकने देंगे 5 मिनट तक। अच्छे कद्दू जल्दी पक जाता है। और गैस बंद करके इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। अभी हम इस कप के हिसाब से 3 कप आटा लेंगे। उससे पहले हम इसमें डालेंगे तीली 1/2 चम्मच, राइस फ्लोर 1 चम्मच, बेसन 1 बड़ी चम्मच। इसको हम मिला लेंगे। अभी हम ऐड करेंगे 3 कप आटा। इसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी मिलाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी ही लिए है। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही लेना है। ज़्यादा पानी डालने से ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच तेल ऐड की। तेल डालने से पूरी फूलने में मदद होती है। अच्छी तरह मिला लेंगे आटा के साथ तेल को। देखिए मेरा डो कितना अच्छा और स्मूथ हो गया है। तो इसको हम रख देंगे 15 मिनट तक ढक्कन लगा के। ये 15 मिनट हो चुका है। अभी मैं एक छोटा गोल ले लूँगी यहाँ से। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं। मैं इतना ही साइज़ का बनाने वाली हूँ। देखिए बेलते समय इसको ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मीडियम रखना है। देखिए इतना ही पतला करना है। मैंने पहले से ही तेल रखी हुई थी, तो चलिए फटाफट बेल के लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए एक बाजू से थोड़ा कम रहे तो दूसरे बाजू से अच्छा फूल जाता है। देखिए रेडी हो गई है मेरे बिनी मसाला वाला कद्दू पूरी।
आपको मेरी रेसिपी अच्छा लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।